हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आइए हम लोग चंद्रयान 2 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। सबसे पहले भारत ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्री हरिकोटा रेंज से, जो कि आंध्र प्रदेश में है, से दोपहर 2:43 पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। अभियान को GSLV संस्करण 3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। सवाल आ सकता है GSLV 3 संस्करण किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्र कक्षा यान है, एक रोवर है और एक लैंडर शामिल है। उनके नाम भी देख लेंगे हम आगे। चंद्रयान 2 से पहले चंद्रयान 1 आर्बिटर का मून इंपैक्ट प्रॉब MIP 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था और इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लहराने वाला चौथा देश बन गया था। इसके सिवा USSR, USA और चाइना ये कार्य कर चुके हैं। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम है, ये सवाल पूछा जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे, सवाल आता है। जनक है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। यह एक चंद्र दिन के लिए कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो लगभग 14 पृथ्वी के दिनों के बराबर होता है। रोवर का वजन, चंद्रयान 2 के रोवर का वजन 27 किलोग्राम है और यह सौर ऊर्जा द्वारा संचालित किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन क्षमता इसकी 50 वाट है। चंद्रयान 2 का रोवर का नाम प्रज्ञान है, जो 6 पहियों वाला वाहन है, रोबोट वाहन है। भारत से पहले अमेरिका ने अपोलो 11 प्रोग्राम के तहत अंतरिक्ष में उड़ान की थी, जिससे उसने चंद्रमा पर सबसे पहला इंसान नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथ में थे एडविन एल्ड्रिन जूनियर को 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर उतारा था। 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग, अमेरिका द्वारा रॉकेट का नाम था अपोलो 11। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 384,403 किलोमीटर है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। ये सवाल आते हैं, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है, ये कई एग्जाम्स में आ चुका है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में पूरा करता है और वह अपने कक्ष के चारों ओर एक चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा या फेस हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। आप अगर चंद्रमा को देखेंगे हर पूर्णिमा के दिन, आपको एक जैसा ही दिखता है, क्योंकि वो अपनी परिक्रमा भी 27.3 दिन में करता है और अपने अक्ष के चारों तरफ भी 27.3 दिन में ही करता है। थैंक यू। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।